हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर फ्रेंड आदित्य भालेराव। 14 अगस्त 2021 को जमशेदपुर में क्या हुआ था, एक आदमी ने दो कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, उनको बहुत ही बेरहमी से डंडों से मारा था। तो उसका वो सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ था। तो इस बारे में क्या क्या हुआ था मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वो कुत्ते स्ट्रीट डॉग्स थे। उनका दोष सिर्फ यही था कि वो रात में उस आदमी के घर में घुस गए और वो आदमी ने उनको डंडे से मारा। जानवरों को इतना समझता नहीं है कि हम किसके घर में घुस रहे हैं या फिर हम किसी के घर में घुस रहे हैं, वो गलत बात है। उनको इतना सूझबूझ नहीं रहती है। बट हम जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। हमें जानवरों के जैसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये बातें कुछ लोगों को नहीं समझती है। आप ये सीसीटीवी फुटेज देख सकते हो। इस इंसान की वो हरकत के बावजूद भी उस एरिया के लोग, वहाँ के जो एनिमल लवर्स है, जो रास्तों के जानवरों की देखभाल करते हैं या फिर उन्हें खाना खिलाते हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। और फाइनली जिस आदमी ने उस डॉग्स को मारा था उस पर FIR हो गई है और वो अरेस्ट हो गया है। सो मैं जमशेदपुर के वो लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने उस आदमी को अरेस्ट करने में, उसके खिलाफ FIR करने में उस एनिमल लवर्स की मदद की है। ये उसका FIR है जो उन लोगों ने उसके खिलाफ किया है। आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हो। और जो जमशेदपुर के एनिमल लवर्स है जिन्होंने उसके खिलाफ FIR की है, उसके खिलाफ केस दर्ज की है, उनका एक वीडियो आया है, आप वो वीडियो भी देख लीजिए। 14 अगस्त को जो है हम लोग को सूचना मिला कि K2 में रहने वाले 6 नंबर रोड के चंद्रमोहन राव जी ने जो है ये दो कुत्ते जो प्रजनन अवस्था में थे उसको बेरहमी से मारा। अब तो वीडियो फुटेज भी था और कुछ संस्था के लोग जो है पशु प्रेमी जो है आके इसके ऊपर कार्रवाई भी किए हैं, FIR दिए थे, लेकिन FIR हुआ नहीं था। तो आज जो पुनः जिन्होंने मुझे हम लोगों को जो रिपोर्ट किया था कि इसके लिए कुछ किया जाए, उसके लिए हमने आज पुनः हमने थाना आया और हमारी जो मैडम श्रीमती मेनका गांधी के मार्गदर्शन से हमने इसके ऊपर कार्रवाई कराया और उसके ऊपर FIR हो गया, वो अरेस्ट है अभी। और हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि जानवर जो है वो कोई खिलौना नहीं है कि आप उसके साथ कुछ भी कर देंगे, वो रास्ता का नहीं है। उसके लिए हम लोग कुछ भी करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जमशेदपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, चाहे उस तक नाम कुछ भी हो, किसी भी संस्था से हो, आप गलत करेंगे तो आपके साथ कानूनन हम लोग सही कर देंगे। अगर आप ये आप सही समझते हैं तो ठीक है, अन्यथा कानून का रास्ता हम लोग अपनाएंगे। और इसके लिए जो हमारे साथ जो है ये PFA से मैडम आए हैं, कल्याणी जी, वो भी आए थे, साथ ही अंकिता पौकेर से आई थी, इन्होंने तो रिपोर्ट ही किया था। और मेरा नाम आकाश से हुआ, मैं दोस्त एनिमल वेलफेयर से हूँ। और बाकी संस्था भी कुछ लोग आए थे, विक्टर बनर्जी, अनिश पटेल, विनीश साय, सूरज कुमार और माफी ज़्यादा कुछ किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ, और विवेक गुप्ता, टिंकू ओझा, बहुत जन आए थे, विवेक झा और विवेक झा। परंतु सबसे अच्छी बात है कि जमशेदपुर में पहला कार्रवाई हो गया है कि उसमें इसको अरेस्ट किया गया। और एक अच्छी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर ये लिखा है कि मॉब लिंचिंग मानवता की हत्या नहीं, मानव की हत्या नहीं, मानवता की हत्या, लेकिन यहाँ पे मानव ही जो है ऐसा क्रूर काम कर रहा है कि उसको मानव कहने का अधिकार नहीं है। अच्छा मैसेज भी दिया गया तो आज उनको अच्छा सजा भी मिलेगी, मैं आशा करता हूँ। थाना की तरफ से बहुत कोऑपरेट किया गया, ये मैसेज भी जाना चाहिए लोगों में कि पुलिस अगर सही सच्चाई देख के कार्रवाई, बहुत जल्दी कार्रवाई की गई है। साहब ने भी काफी मदद की, CPSP साहब ने भी काफी मदद की, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, उन्होंने हमें न्याय दिया। धन्यवाद। आप किसी जानवरों की मदद नहीं कर सकते हो, उनके देखभाल नहीं कर सकते हो, तो उनको परेशान करने का आपको कोई हक नहीं है। हमारे भारत में जानवरों के लिए बहुत सालों से कानून लागू किए गए हैं। सो आपको अगर किसी जगह ऐसे अगर कोई हरकत करते दिखता है या फिर किसी डॉग को मारते हुए दिखता है या फिर आपके पास वीडियो आता है, तो आप ज़रूर उसको वायरल कीजिए और जिस आदमी ने किसी एनिमल को हानि पहुँचाई है उसके खिलाफ FIR दर्ज करिए। आपको पूरा हक है उसके खिलाफ FIR दर्ज करने का। जानवर तो बोल सकते नहीं है,
बट अगर आपको दिख रहा है तो आप जरूर उसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। हमारे भारत में एनिमल्स के लिए क्या क्या राइट्स है, उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो इसके बारे में बनाने वाला हूँ। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।